लेना मना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रोमैक्स Q4202 को अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं मेडिकल बॉक्स तो किस तरह से करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में एक माइक्रोमैक्स Q4202 का मॉडल है और ये मोबाइल जब हम ऑन करते हैं तो इस मोबाइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो अपने आप जो ऑटोमेटिकली जो है ये ऑन होता है और रिस्टार्ट होता है, ऑन होता है रिस्टार्ट होता है। तो इस मोबाइल को हमें फ्लैश करना है अपने मेडिकल बॉक्स से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे EX बनाने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ वीडियो के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल पे यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप इस घंटे को नहीं दबाएंगे तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर नहीं मिलेगी। और अगर आप इस घंटे को दबाएंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मोबाइल को बूट कराने की। जब तक हमारा मोबाइल बूट नहीं करेगा हमारे मेडिकल टूल से हमारे डिवाइस मैनेजर से तो हमारा मोबाइल जो फ्लैश नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी बात होती है मोबाइल को बूट कराने की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको मोबाइल का बैटरी निकालना है। मोबाइल का बैटरी निकालने के बाद मोबाइल को फिर से बैटरी लगा देना है। मोबाइल को आपको ऑन नहीं करना है। मोबाइल का जो वॉल्यूम प्लस और माइनस है दोनों को एक साथ प्रेस करना है, एक साथ दबा के रखना है और उसके बाद आपको डाटा केबल लगाना है। और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे मोबाइल वाइब्रेट करेगा और उसके बाद जैसे मोबाइल वाइब्रेट करेगा तो आपको मोबाइल का जो वॉल्यूम प्लस और माइनस है ये दोनों को आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपके डिवाइस मैनेजर में इस तरह से यहाँ पे जो आप वेलकम लोडर आप देख रहे हैं ये लोडर आपको यहाँ पे शो करेगा डिवाइस मैनेजर में। तो इस तरह से जब आपका शो करेगा तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपका मोबाइल जो आपके कंप्यूटर से जो बूट कर चुका है आपके डिवाइस मैनेजर से बूट कर चुका है। उसके बाद हम चलते हैं अपने मेडिकल बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें फ्लैश करना है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा मेडिकल टूल ओपन हो चुका है। हम वेलकम टूल को सिलेक्ट किए उसके बाद हम यहाँ पोर्ट पर क्लिक करके उसके बाद हमें जो है लोडर सेलेक्ट कर लेना है। लोडर सेलेक्ट करने के बाद हमें फ्लैशिंग पे जाना है। फ्लैशिंग पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जो है अपना जो है फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे में न्यू मेथड पे चेक लगा देना है। उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें फ्लैशिंग में काफी टाइम लगता है, कम से कम तकरीबन एक घंटे का या पौने घंटे का टाइम लगता है। तो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से कि आपको किस तरह से फ्लैश किया जाता है। आप यहाँ पे समझ चुके होंगे किस तरह से फ्लैश किया जाता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों अभी अंत में मैं आपको दिखा दूँ कि इस मोबाइल को जिस मोबाइल को हम फ्लैश कर रहे हैं ये मोबाइल हमारा जो है कम्प्लीट सही हो रहा है या नहीं, हमारा मोबाइल कम्प्लीट ये ऑन होता है या नहीं। थोड़ा सा आप लास्ट तक देख लें इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही और आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।